अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पालक सोवा मेथी कीमे की भाजी। इसके लिए मैं कीमा डाल दूँगी 1/2 किलो। इसी में 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दूँ, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्ची पेस्ट डाल दूँगी। इसी में मैं 2 कांदा कट करके डाल दूँगी। इसी में मैं 2 टमाटर कट करके डाल दूँगी। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसी में तेल डाल देंगे। ये सब डाल के अच्छे से सब मिला लेंगे। अच्छे से सब मिला ली हूँ मैं। इसी में 1 गिलास पानी डाल देंगे। इसको मिला लेंगे। कीमा गले तक का अपन लोग इसको ढक्कन ढक के रख देंगे। इसी में मैं 1 गुंडी पालक ले लूँगी, एक गुंडी मैं मेथी ले लूँगी, 1 गुंडी सोवा ले लूँगी। ये मैं काट के आपको बताती हूँ। मैंने पालक मेथी और सोवा कट कर ली हूँ अच्छे से वॉश करके। अब मैं आ जाती हूँ अपने कीमे के तरफ। कीमे का ढक्कन खोल देंगे। देख सकते हैं पानी एकदम अच्छे से सूख गया है और इसको अच्छे से ये भून भी गया है। कीमा अच्छे से गल भी गया है अपना। इसी में मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी। इसको भी मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके हो गया है। अब मैं पालक कटी भी डाल दूँगी। इसी में मेथी डाल दूँगी। पालक और मेथी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। पालक और वो मेथी डाल के कीमा मैं अच्छे से मिला ली हूँ। अब इसका पानी छोड़ेगा, इसको अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। पालक जब अच्छे से हो जाएगी इसी में अपन सोवा डाल देंगे। इसी में कट करके हरी मिर्ची डाल देंगे। ये सब भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो पानी अपना छोड़ेगा इसको भी अच्छे से सुखा लेंगे, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। देख सकते हैं अब पानी एकदम अच्छे से सूख गया है। इसी को अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं अगर ऐसी भाजी बनाएंगे ना मेथी डाल के, बहुत आसान तरीके से पालक सोवा मेथी डाल के बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगती है भाजी। कीमा हरी भाजी डाल के और हरा मसाला डाल के बनाएंगे ना तो और टेस्टी लगती है। इसका एक अलग ही खुशबू रहता है। मिर्ची पाउडर डालो वो अलग टेस्ट आता है, ये जो हरे मसाले का बनाएंगे वो अलग टेस्ट आता है। देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी खिली खिली भाजी दिख रही है अपनी, एकदम आसान तरीके से। मैं आप लोग को भून के और बताती हूँ। इसी में थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भाजी एकदम अच्छे से अपनी भून गई है। देख सकते हैं तेल अपना छोड़ दिया है भाजी ने। भाजी अच्छे से भून के बनाओ कोई भी चीज़ तो बहुत टेस्टी लगती है। अब इसी को अपन लोग सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी मज़ेदार बनी है ये भाजी। बहुत से लोग खाली पालक में भी बनाते हैं सोवा। मैंने मेथी पालक सोवा कीमा डाल के बनाई हूँ हरे मसाले में। बहुत लजीज लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके का बनाएंगे रोटी के साथ में, भाजी दाल चावल के साथ में खाओ। इसमें दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह देख सकते हैं अपनी भाजी बन के तैयार है। अब मैं आपको खा के बताती हूँ। देख सकते हैं अपना कीमा भाजी डाल के बहुत लजीज। इसमें मैंने मशीन का कीमा डाली थी। अगर आप हाथ का कुटा हुआ भी डाल सकते हैं या तो गोश्त भी ऐसी बोटी चना बोटी करा के। अब देख सकते हैं बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लग रहा है ये कीमा। पालक सोवा मेथी डाल के मैंने बनाई हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अगर आसान तरीके से पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। ना ख्याल रखिएगा।